नागपुर शहर में पिछले 5 वर्षों में 1233 नाबालिग लापता हुए, इनमें से 1127 लोग वापस आ चुके, पर अब भी 106 लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं। केंद्र सरकार ने केवल ब्लेंडिंग के लिए फ्यूल ऑयल मिश्रित बायोडीजल बेचने की अनुमति दी है। इसमें शर्त रखी गई है कि पेट्रोल डीजल पंप की तरह बायोडीजल पंप खोलने के लिए सभी जरूरी लाइसेंस मंजूरियां लेना जरूरी है। कोरोना की वजह से होने वाली 36% मौतें 45 से 60 साल के मध्य आयु वर्ग में होती है। मरने वाले अधिकांश हृदय रोगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को सचिव उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वह सप्ताह भर में याचिका दायर करें ताकि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य की सिविल सेवा पूर्व परीक्षा में केंद्र सुविधा में बदल किया जाएगा। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना पर परम पावन व्रत हरतालिका तीज शुक्रवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को विधि विधान के साथ मनाया गया। पिछले कुछ दिनों में मृत्यु दर में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे डॉक्टर और प्रशासन चिंतित है। डॉक्टरों का कहना है कि 80-85% लोग लापरवाही कर रहे हैं। जिस तेजी से शहर का विस्तार हो रहा है उसके अनुपात में विकास कार्य पिछड़ने के कारण नागरिकों को बरसात के समय भयानक दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। नागरिकों की बार बार मांग के बावजूद प्रशासन एजेंसियां सुस्त बनी हुई है। 5 साल पहले केंद्र सरकार ने अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन परियोजना के तहत नागपुर के लिए 226 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। तदनुसार शहर के बाहरी बस्तियों में पानी की टंकियों का निर्माण और पाइपलाइनों का निर्माण किया जाना था, लेकिन अब तक टंकियों के निर्माण का आता पता ही नहीं। घर में घुसकर बदमाश ने युवक को जान से मारने की धमकी दी। मामला लकड़गंज थाना क्षेत्र में ज्ञानेश्वर मंदिर गंगाबाई घाट रोड में गुरुवार की रात करीबन 8 बजे का है। शिकायतकर्ता विशाल लक्ष्मण राव ने मामले की रिपोर्ट लकड़गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की। शहर में कोरोना काल के चलते हृदय रोग शल्य चिकित्सक के लिए सुपर ही एकमात्र अस्पताल है। राज्य में सभी स्वास्थ्य प्रणालियों को ध्यान कोरोना नियंत्रण पर है। केवल 40% निजी चिकित्सा सेवाएं शुरू है। यहाँ डॉक्टर गरीबों की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं।